बॉलीवुड जगत में पंचम दा के नाम से मशहूर राहुल देव बर्मन ने 4 जनवरी 1994 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन भारत में 80 का दशक एक ऐसा दौर था जब सिनेमा में अच्छा संगीत धीमी मौत मर रहा था, मेलेडी के कद्रदान तेजी से कम हो रहे थे। ये वो दौर था जब संगीत से ज्यादा अहम हीरो का एक्शन था और अमिताभ बच्चन सरीखे अभिनेता फिल्मी पर्दे पर छा गए थे। अच्छा एक्शन और डायलॉग हावी होने लगा था। ये वही वक्त था जब पप्पी लहरी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी हिट संगीत देने लगे थे और इसका खामियाजा पंचम दा को भुगतना पड़ा था। अस्सी का दशक वो समय था जब दक्षिण भारतीय फिल्मों में हिंदी रिमेक आने लगी और हीरो हीरोइन को भड़कीले डांस को ज्यादा जगह मिलने लगी और मेलेडी पर भारी भरकम म्यूजिक आ गया। यहाँ तक कि आर डी बर्मन के बेहद करीबी किशोर कुमार भी अब नए संगीतकारों के लिए दोयम दर्जे के गाने गा रहे थे। ये सब देखना आर डी बर्मन के लिए बहुत मुश्किल भरा था और वे ज्यादा खुश नहीं थे। साल 1987 में किशोर कुमार की मौत ने आर डी बर्मन को और भी दुख पहुंचा दिया। वो पूरी तरह से टूट गए थे। आर डी बर्मन बॉलीवुड में संगीत के गिरते स्तर से परेशान थे भी। हालांकि इस बीच उन्होंने गुलजार की कुछ फिल्मों में जैसे लिबास, इजाजत, अंगूर, नमकीन और मासूम में अच्छा संगीत दिया। आर डी बर्मन के संगीत ने सनी देओल, बेताब, संजय दत्त, रॉकी और कुमार गौरव लव स्टोरी की लॉन्चिंग में मदद भी की। लेकिन फिर भी आर डी बर्मन खुश नहीं थे। वो खुद को दर्शकों की बदली हुई पसंद के मुताबिक ढालने की जो तोड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। आर डी बर्मन की आखिरी फिल्म 1942 एक लव स्टोरी के संगीत को लेकर एक किस्सा बेहद मशहूर है। निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा इस फिल्म के संगीत के लिए पंचम दा के पास गए। पंचम दा ने उन्हें फिल्म का स्कोर सुनाया, लेकिन विधु को वो पसंद नहीं आया। विधु बताते हैं कि उन्होंने कहा कि इस संगीत से आर डी गायब है। तब पंचम दा ने उन्हें कुछ वक्त देने के लिए कहा और फिर जब विधु वापस गए तो वो कुछ नई धुनों को सुना रहे थे और वो आर डी की आखिरी और शानदार परफॉर्मेंस भी थी। पंचम दा एक तकलीफ भरे समय और बदलते दौर के संगीत में भी अपने पंचम टच को थामने की कोशिश कर रहे थे।